हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हॉटपॉट क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम त्रिकोणमिति आपको क्लास 10th के लिए पढ़ा रहे थे और उसमें हम आपको लगभग दो क्लास करा दिए थे। एक क्लास में हम आपको त्रिकोणमिति का कुछ बेसिक नॉलेज दिए थे, कुछ फार्मूला के बारे में बताए थे, और एक क्लास में हम आपको केसी सिन्हा बुक से एक से लगभग चार तक प्रश्न हम करा दिए थे। ये जो हमारा सेकेंड क्लास वो काफी लंबा हो गया था। उस क्लास को लंबा होने का कारण था कि हम आपको बहुत ही बारीकी से सारे प्रश्न को हल करते हुए चल रहे थे, बहुत बारीकी से। एक एक जीवन को मैथ जो थोड़ा सा भी नहीं आता उनको भी हम सिखाने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से हमारा थोड़ा टाइम लंबा हो गया और वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया। तो आज उतना हम टाइम नहीं लेंगे, आज हम कुछ फोर प्रश्न के आगे से चलेंगे। तो हम चलिए हम फर्स्ट प्रश्न लेते हैं, और प्रश्न केसी सिन्हा का बुक से होने वाला। जैसे कि हम आप लोग को बता दिए हैं कि केसी सिन्हा का प्रयोग बुक का खत कैसे करेंगे, और एनसीईआरटी का बुक का प्रयोग कैसे करेंगे, और भारतीय भवन बुक को प्रयोग कैसे करेंगे। सबका प्लेलिस्ट अलग अलग रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। थ्योरी जिसका रहेगा उसमें हम सारे प्लेलिस्ट में थ्योरी डाल देंगे। तो चलिए केसी सिन्हा का प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, केसी सिन्हा का सारा सोल्व। तो उसमें एक वीडियो ऑलरेडी डला चुका है, आज दूसरा वीडियो उसमें फिर जाने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न क्या है। तो फोर प्रश्न तक हम आप लोग को बता दिए थे कि फोर प्रश्न तक कि उसका हम सोल्यूशन बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिए थे, एक से चार तक। यहाँ तक हमको लगता था कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए हम चौथा का दूसरा प्रश्न लेते हैं, और दूसरा प्रश्न में बोल रहा है, देखिए हम प्रश्न उस क्लास में भी हम बताए थे कि हम आपको प्रश्न लिखेंगे नहीं, आपको प्रश्न किसी तरफ फोटो मिल जाएगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा एक बार और हम फिर बता देंगे। तो देखिए प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, देखिए बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में कौन सी बराबर 90 डिग्री। देखिए एक त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज होना चाहिए एबीसी, और जिसमें हमारा जो एंगल यानी कि कौन सी होना चाहिए वो 90 डिग्री का होना चाहिए। तो दोस्तों जरा एक बार आप लोग बता दीजिए कि कौन 90 डिग्री जिस त्रिभुज में होता है वो कैसा त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है वो कैसा त्रिभुज कहलाता है, तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। कैसा त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज। तो इसी में बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 डिग्री है, कोण सी एक कोण सी बराबर 90 डिग्री लेना है। तो चलिए हम पहले त्रिभुज बना लेते हैं, देखिए ठीक है यहां तक दिख रहा है ना, त्रिभुज ए सी बी। अब बोलिएगा कि सी यहां क्यों लिखे, तो प्रश्न में साफ साफ बोल दिया कि कौन जो आपको सी है वो 90 डिग्री लेना है, तो कौन सी 90 डिग्री का हो गया। अब चलिए अब आगे प्रश्न को पढ़ते हैं, प्रश्न को धीरे धीरे पढ़िए, उसका सोल्यूशन करना सीखिए, मैथ आसान हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि इसमें जो एबी का इकाई एबी है वो 29 इकाई है। तो प्रश्न में बोल रहा है कि एबी है जो 29 इकाई है, तो देखिए तो इसमें एबी आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो एबी ए बी यही है ना, तो इसको आप 29 लिख लीजिए, 29 इकाई। चलिए 29 ही सिर्फ रह देते, 29 इकाई, 29 उल्टा तरीका के लिख दिए, कितना है 29 है, कितना है 29। और बीसी जो है वो 21 इकाई है। बीसी आपको कहां पे दिख रहा है, तो बीसी बोलिए या सी बी, ये 21 है, ये 29 है और ये 21 है। तो बोल रहा है कि कौन ए बी सी बराबर थीटा, कौन ए बी सी जो है वो थीटा है। तो देखिए इस तरह से हम बता देते हैं, जैसे अगर दे दे कौन ए बी सी, तो देखिए जिसमें जैसे बोल रहे सी बराबर थीटा, तो थीटा आप बोलिएगा कि हम ए बराबर थीटा माने कि बी बराबर थीटा माने कि सी बराबर थीटा माने, इसमें भी तो दिक्कत है ना, क्योंकि कौन ए बी सी बराबर थीटा दे दिया, तो आप किसको बराबर, कौन ए बराबर थीटा मानिएगा कि कौन बी बराबर थीटा मानिएगा कि कौन सी बराबर थीटा मानिएगा, ये भी तो एक सवाल है ना। तो देखिए जो एंगल जो बीच में रहेगा उसी को बराबर मान लीजिए, तो इसमें जो एंगल बी है इसी को हम थीटा मान लेते हैं। एंगल बी आपको कहाँ दिख रहा है, ये
तो ये आपका थीटा हो जाएगा, बस आप बात खत्म। किसी भी प्रश्न में अगर जोन कोण बीच में रहेगा उसी कोण बराबर दिया रहेगा तो उसी का कोण होगा। मेरे कहने का मतलब कि बीच का जो बीच अक्षर रहेगा वही संख्या मतलब कोण होगा त्रिभुज का। जैसे कोण ए सी बी दे देता बराबर थीटा, तो इसमें अगर थीटा बराबर हो सी कोण सी बराबर थीटा होता, यहाँ थीटा हो जाता। अगर ए ए ए अगर बी ए सी दे देता तो इसमें अब बराबर थीटा, तो ए बराबर थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब कि ए जो बीच में रहेगा उसके बराबर थीटा हो जाएगा। ये नहीं ना दिख रहा, दिख रहा है ना? तो चलिए अब तो ये समझ गए, हम आपको एक एक बात बताते हुए चलेंगे। और अगर आपको इतना में भी समझ में आए तो फिर भी आप धीरज रखिए, आपको अंतिम जाते जाते पूरा तरीका से समझ में आने लगेगा, क्योंकि ये सब आप तो पहली बार नाम सुन रहे हैं, ऐसे ऐसे तो दिक्कत होगा ही। तो देखिए अब कौन ए बी सी बराबर बोल रहा था थीटा, तो ए बी बी बीच में था तो थीटा के जगह बी हम मान लिए, कौन बी को थीटा मान लिए। अब प्रश्न में बोल रहा ना ए में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना काफी सिंपल है, काफी सिंपल। ऐसे तो साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, एक फॉर्मूला है वो हम आपको टाइप वन क्लियर करा देंगे तो हम आपको कुछ फॉर्मूला बताएंगे, लेकिन अभी उस फॉर्मूला पे नहीं चलना, अभी हमें इसी टाइप के इसी तरह से हमें बना लेना है कि क्या होगा। तो देखिए ए बी दे ले है 29, बी सी दे ले है यानी सी बी दे ले है 21, तो आप इससे ए सी निकाल सकते हैं। इसमें एक भुजा तो नहीं दिया हुआ, तो एक भुजा तो पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि इसमें कोस थीटा और साइन थीटा भी पूछ दिया, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और साइन थीटा के लिए लंब ए सी होगा, तो ए सी है ये नहीं, तो कैसे निकलेगा साइन थीटा का मान। तो इसीलिए साइन थीटा निकालने के लिए पहले ए सी भुजा को निकालना जरूरी है। तो देखिए हम ये सब भुजा निकालने के लिए तो बताएं, तो देखिए ए सी भुजा बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर माइनस जो दिया हुआ भुजा बी सी का स्क्वायर 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर होता है 841 माइनस 21 का 441 घटेगा, 841 में से 441 जाएगा तो 400 बचेगा। अब 400 को 20 गुना 20 आप लिख सकते हैं दो बार, तो दो है 20, तो एक आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो आपका जो एसी का मान आ गया वो आ गया 20, एसी का मान आ गया कितना 20। अब चलिए हम एसी का तो मान निकाल लिया कि एसी का मान कितना आ गया 20 आ गया, एसी का मान कितना आ गया 20। अब चलिए हम इसको एसी का मान तो 20 फाइंड कर लिए, अब इसको हम फॉर्मूला को बना मतलब कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है हम उसको लागू करके हम बनाते हैं। तो हमारा एसी जो आ गया 20 आया था ना अभी, तो तुरंत निकाले तो 20 आया। अब देखिए यहाँ दिख रहा ना हाथ, तो चलिए ए में पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, और ये सबका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है ना, अब इसका स्क्वायर सबका है तो हम स्क्वायर सबका कर देंगे। अब आप इसको लंब कितना है, तो लंब देखिए थीटा के लिए लंब कौन होगा, तो सामने की भुजा लंब तो 20, तो 20 देखिए एक मिनट, प्रश्न में पहले कोस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो हम पहले साइन स्क्वायर थीटा कर दिए, तो घबराना नहीं है, प्लस में आप इसको आगे पीछे कर दीजिएगा तो इस पर कोई आंसर आएगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्लस में है तो आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, माइनस में रहता तो दिक्कत होता, लेकिन ये प्लस में है तो हम इसको कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए हम समझा दिए, क्योंकि हमसे मिस्टेक हो गया, प्रश्न में दिया हुआ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसमें आपको लंब कितना दिया हुआ है, तो थीटा के सामने
जो भुजा होता है उसको लंब कहते हैं, तो 20 बटा कर्ण कितना सबसे बड़ी भुजा, ए बी 29, ये सबका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस आधार इस में कितना है थीटा से, कॉस थीटा, थीटा से आधार, तो नीचे का भुजा का आधार होता है 21 बटा कर्ण 29 का स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर बटा 29 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर बटा 29 का स्क्वायर। देखिए 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 देखिए, यहाँ पे किन्हीं को समझ में नहीं आएगा, हमको लग रहा है कि किन्हीं को नहीं समझ में रहा। देखिए क्या किए, स्क्वायर का मतलब है कि 20 का भी स्क्वायर है और 29 का भी स्क्वायर है, इसमें 21 का भी स्क्वायर है 29 का भी स्क्वायर है, तो कुछ नहीं किया, 20 को एक बार स्क्वायर चला दिया, एक और 29 को, 21 को और 29 को। अब देखिए हम आगे बताते हैं, अब 20 का स्क्वायर, तो 20 को आपस में दो बार गुना कीजिएगा तो 400 बटा 29 का स्क्वायर 841 प्लस है तो प्लस, 21 का तो 441 बटा 29 को अगर दो बार गुना कीजिएगा तो 841। अब एलसीएम लीजिएगा तो 841 तो 400, कैसे 841 का एलसीएम लीजिएगा तो सिर्फ 841 हो जाएगा, तो 841 से 841 खत्म हो गया, बचा एक, तो 400 गुना एक 400 प्लस, उसी तरह से 441 हो जाएगा, 400 प्लस 441 यानी कि 841 बटा 841, तो इसका जो आंसर हो गया वो एक आ गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो मान आ गया वो एक आ गया। अब देखिए, अब यहां से एक बात याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला भी होता है, इसके बराबर भी वन होता है, यह हम आपको बाद में प्रूफ करके बता देंगे, अभी इससे कोई मतलब नहीं रखिएगा, अब ज्यादा ध्यान इधर उधर मत दीजिए। तो आपको एक फॉर्मूला, एक प्रश्न हम क्लियर करा दिया, चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। इसी में अगला प्रश्न बताते हैं, ये तो ए था, ए का तो क्लियर कर दिए, ए में पूछा था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमसे गलती खाली हो गया कि कॉस की जगह साइन लिख दिया, साइन की जगह कॉस लिख दिया, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि प्रश्न जो था वो प्लस में था, सारा प्रश्न प्लस में था, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगला बोल रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ये देखिए कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब बोलिएगा कि आगे साइन स्क्वायर कर दीजिए, तो अब गलत हो जाएगा क्योंकि प्रश्न में माइनस है, अगर प्लस रहता तो आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण लिख सकते हैं, अब इसका स्क्वायर कर सकते हैं माइनस, साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, लंब बटा कर्ण, कर्ण इसका स्क्वायर। देखिए हम अपने तरफ से कुछ नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम आपको फर्स्ट क्लास में याद करा दिया कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, अगर आपको फर्स्ट क्लास में नहीं याद हुआ होगा तो अब तक तो याद हो चुका होगा, आधार बटा कर्ण लंब बटा कर्ण। अब देखिए कॉस थीटा के लिए आधार वही होगा, फिर आधार जो ये रहेगा तो 21 बटा कर्ण ए बी, थीटा सबसे बड़ी भुजा कर्ण तो 29, तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा माइनस, एक लाइन हम शॉर्ट चल रहे हैं इसीलिए आपको अकबकाना नहीं है, समझ में नहीं आएगा क्या, चलिए हम बता देंगे कि आपको हम कैसे किए। फिर लंब साइन थीटा के लिए, थीटा के लिए लंब कौन हो जाएगा 20, तो इसका भी स्क्वायर बटा कर्ण 29, इसका भी स्क्वायर। देखिए स्क्वायर है तो आधार का भी तो स्क्वायर है, कर्ण का भी स्क्वायर है, लंब का भी इसमें स्क्वायर है, कर्ण का भी स्क्वायर है, वही हम किए यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए। अब इसको हम क्या करना, आपको 21 को अगर दो बार गुणा कीजिएगा तो 441 होगा बटा 29 को दो बार गुणा कीजिएगा तो 841 होगा माइनस, 20 को अगर दो बार गुणा करते हैं तो 400 होता है, 29 को दो बार गुणा करते हैं तो 841 होगा। अब एलसीएम लीजिए तो 841, 441 माइनस 400 बराबर 41 बटा 841, अच्छा से लिख देते हैं 41 बटा 841, ये हो गया आंसर।
तो आपको तो दो प्रश्न क्लियर हो गया। अब चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको दो चार का चार में चार का दो में दो टाइप के ए और बी थे, वो हम क्लियर करा दिया। अब हम अगला एक और प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न भी थोड़ा लंबा है, तो इस प्रश्न को भी हम पहले पढ़ते हैं फिर हम बनाते हैं आपको। तो देखिए पूरा मिटा देते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो ऊपर त्रिकोणमिति लिखने से फायदा क्या है। तो चलिए हम आप अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न हम आपको बताते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं कि अगला प्रश्न पहले है क्या। तो चलिए हम बुक में पहले पढ़ रहे हैं, अगला प्रश्न बोल रहा है, पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं फिर एक और पढ़ के धीरे धीरे हम बनाएंगे। तो बोलिए, बोल रहा कि त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज लेना है, ए बी सी में जिसका कोण ए हो वो 90 डिग्री का हो। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री तथा साइन बी कॉसी तथा टेन बी का मान निम्नलिखित में प्रत्येक में बताइए। देखिए क्या बोल रहा है, प्रश्न भी आपको दिख रहा होगा, बोल रहा त्रिभुज ए बी सी में, तो उसी टाइप से हम त्रिभुज एक ए बी सी त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज ए, इसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री है, त्रिभुज ए बी ए सी 90 डिग्री हो गया। ए बराबर बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री है, तो कोण ए बराबर तो समकोण बना दिया, 90 डिग्री का हो गया, एक हमारा खत्म हो गया। अब है बोल रहा है कि इसमें से निकालना है किस किस चीज का मान। देखिए तो साइन बी का निकालना है, साइन बी बराबर कॉस बी का मान निकालना है, साइन बी कॉस बी, सॉरी कॉस बी नहीं है कॉस सी है, और टेन है टेन बी, यही तीन को मान निकालना है। लेकिन इसमें सारा भुजा दिया हुआ है, जैसे ए में जो भुजा दिया हुआ है, ए में जो भुजा दिया हुआ है, ए बराबर जो भुजा दिया हुआ है टोटल, इसमें दिया हुआ है कि ए बी जो आपका होगा, ए बी जो होगा वो 12 होगा, ए बी आपका होगा जो 12 होगा, ए सी जो होगा आपका वो 5 होगा, और बी सी जो होगा वो आपको 13 होना चाहिए। प्रश्न में बोल रहा है कि ए बी बराबर 12 होना चाहिए, ए सी बराबर आपका 5 होना चाहिए, और बी सी बराबर 13 होना चाहिए, फर्स्ट वाले में बोल रहा है। तो देखिए इसमें ए बी बराबर 12, तो आपको यहाँ पे ए बी कौन दिख रहा है, तो ए बी इस बीच में दिख रहा है, ए बी पूरा एक भुजा दिख रहा है, तो ए बी बराबर 12। अब बोल रहा है कि ए सी बराबर 5, तो ए और सी ये है तो ये हो जाएगा 5, और बी सी बोल रहा है तो 13। अब हो गया, अब हमसे पूछा जा रहा है साइन बी, तो इसके लिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है ना। कोस थीटा बराबर क्या होता है, सी को आप थीटा मानिए चाहे कोस सी ही रखने दीजिए, तो कोस सी बराबर हो जाता है आधार बटा कर्ण। देखिए बार बार हमारा फॉर्मूला लिखने का मतलब ये है कि आपको पर फॉर्मूला याद हो जाएगा धीरे धीरे। टेन बराबर होता है लंब बटा आधार। अब देखिए इतना तो हम लिख दे, तो देखिए टेन बी बराबर लंब बटा कर्ण, तो टेन बी के लिए लंब और कर्ण कौन होगा, तो टेन बी है कर्ण, लंब बोले हैं कि सामने की भुजा लंब, तो इसकी सामने की भुजा तो ये है, तो ए सी इसका लंब हो जाएगा, किसके लिए कौन बी के लिए, तो लंब हो जाएगा 5 बट्टा, और सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण आपको पता ही है, तो 13 हो जाएगा कर्ण। कोस सी बराबर आधार बटा कर्ण, तो कोस सी के लिए बी से नहीं, आपको सी से लेना है, तो कोस सी के लिए तो ये तो लंब हो जाएगा, ये आधार, तो 5 हो जाएगा आधार, और कर्ण जो होगा वो हो जाएगा आपका 13। कर्ण चेंज नहीं होता, कर्ण चेंज होगा तो लंब आधार, लंब आधार कर्ण सेम टू सेम रहेगा, चाहे आप कोण इससे लीजिए चाहे एंगल इससे लीजिए। टेन बी बराबर लंब बटा आधार, तो टेन बी के लिए लंब कौन है, सामने
जिस कोण के सामने रहता है वो लंब, तो एसी, तो एसी बराबर 5 बटा आधार, इसके लिए तो 12 हो जाएगा, तो 12 ये आपका फर्स्ट। चौथा का जो तीसरा में फर्स्ट ए है, ए का है, उसका सॉल्व हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ में आ गया ना। अब चलिए हम ए, अब ए तो हो गया, अब बी, अब अगला देखते हैं कि अगला क्या है, समझ में आया या नहीं आया समझ में, आपका फीलिंग तो हम जान ही नहीं सकते, इसीलिए हमारा रहता है मोटिव के हमारा क्लास लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्लास लंबा हो या छोटा बस आपको समझ में आना चाहिए, क्लास लंबा हो तो होने दीजिए बस आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए हम इतना डिटेल में अंदर चले जाते हैं, नहीं तो हमें शॉर्ट में भी बताने की तरीका जानते हैं कि शॉर्ट में कैसे बताया जाता है, लेकिन उससे प्रॉफिट उतना नहीं होगा जितना इस लॉन्ग से बताने में प्रॉफिट हो रहा है। एक बता दिया, अब दूसरा बताने वाले हैं, अब इसका खत्म हो गया तो आप इसको मिटा दीजिए। अब अगला है, तो अब बी के लिए जो दिया हुआ है, बी में जो बी में दिया हुआ है, बुक हम ले लेते हैं, ऐसे तो हम प्रश्न का याद हमें तो नहीं है, तो ए बी बराबर जो है, ए बी बराबर वो 20 है, और ए सी बराबर जो दिया हुआ है वो 21 है, और बी सी बराबर जो दिया हुआ है 29 है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है जी, ए बी बराबर 20, ए सी बराबर 21 और बी सी बराबर 29, तो देखिए ए बी कितना है 20, तो इसको आप 20 लिख लीजिए, ए सी 29, सॉरी ए सी 21 है, तो ए सी 21, बी सी 29, तो आप इसको 29 लिख लीजिए। अब हो गया, अब हमसे पूछा जा रहा है साइन बी, तो साइन बी के लिए फिर वही लंब अवधारकरण हो जाएगा, कारण तो चेंज नहीं होता, तो साइन बी के लिए लंब कौन हो जाएगा, ए सी, तो ए सी का मान कितना है 21 और कर्ण 29, कोस सी बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो कोस सी के लिए ये तो लंब हो जाएगा, अब ये इसका आधार हो जाएगा, तो 21/29, इसका मान भी 21/29, इसका मान भी 21/29, ऐसा क्यों, क्योंकि कोण सी के लिए ये तो आधार लंब था, लेकिन कोण सी, कोण बी के लिए ए सी आधार लंब था, लेकिन कोण सी के लिए ए बी आधार, ए सी आधार हो गया, इसीलिए आधार, और टेन बी बराबर होता है लंब बटा आधार, तो टेन बी से लंब हो जाएगा वो ए सी हो जाएगा, और आधार हो जाएगा वो ए बी, बी ए चाहे ए बी, अब कुछ भी बोल दीजिए, तो आधार लंब इसका है 21 और इसका आधार है 20, अब इसी तरह से सेकेंड भी बी वाला क्लियर होता है। अब देखिए एक और है, इसमें सी है, तो आप सी खुद बनाइएगा, सी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि एक दो आप भी बनाइए तो आपका भी थोड़ा प्रैक्टिस होगा एक दो बनाने के लिए। और देखिए इसमें हम टाइप वन का पूरा प्रश्न क्लियर कर दिया, अब हम टाइप टू से प्रश्न चलेंगे, लेकिन टाइप टू से प्रश्न चलने से पहले आप लोग याद रखिए कि एक हम थ्योरी का क्लास डालेंगे, अभी जस्ट इस क्लास को पहले अपलोड करने के बाद 4-5 घंटे के बाद हम एक और क्लास डालेंगे, उसमें आपका त्रिकोणमिति का फॉर्मूला होगा जो काफी यूज होगा, जो टाइप थ्री टू, टाइप टू, टाइप थ्री, टाइप फोर तक के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूला के बिना आप आगे प्रश्न बना ही नहीं सकते, इसलिए हम आपको पहले फॉर्मूला बता देंगे, इतना तो इसलिए ये टेलर बता दिए कि आपको भी लगे कि ना हम भी बना सकते हैं आसानी से, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उम्मीद करते हैं, तो इसीलिए इसका हम प्रश्न बता दिए, अब इसका प्रश्न भी हम अब अगला आगे हम 5 से प्रश्न करेंगे, 5 से, तो 5 से काफी अलग प्रश्न अब है, 4 तक ही कुछ रिलेटेड प्रश्न था इसलिए हम 4 तक कवर कर दिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, आप उसका इंतजार कीजिए, पहले इतना का आप नोट जरूर बना लीजिए, क्योंकि आप हम बार बार बोल रहे हैं कि नोट, अगर ये नोट रहा ना आपके पास अच्छी तरीका से बना, तो आप मैथ में 100 में 100 हम गारंटी देते हैं कि लाइएगा, क्योंकि हम लास्ट में इतना आपको रिवीजन कराएंगे, इतना रिवीजन कराएंगे, 2023 जब आएगा एग्जाम, उस टाइम हम आपको इतना रिवीजन कराएंगे, इतना अच्छी तरीका से रिवीजन करा देंगे कि आपको इतना कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि आपको अगर कहीं से भी प्रश्न 10th का 10th लेवल का प्रश्न पूछ दे, आप
थर्ड से उसका जवाब दे दीजिएगा। इसीलिए आप नोट बनाइएगा, क्योंकि हम इसी हम यहाँ पे तो सिर्फ आपको रिवीजन कराएंगे, तो आप पढ़िएगा तो नोट से ही पढ़िएगा, क्योंकि अंतिम में बुक से नहीं पढ़ा जाता है। जो आपका नोट बनाया है उसी का आप रिवीजन कीजिएगा, इसीलिए आप नोट जरूर बनाइएगा। तो चलिए हम आज इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, अब नेक्स्ट क्लास लाएंगे।